हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन जाधव। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए हाके ब्रश का रिव्यू लेके आया हूँ। मैंने अभी अभी अमेजोन से हाके ब्रश का एक सेट मंगाया है और इसमें तीन ब्रश है, 1 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच के। तो ये मुझे 2400 रुपये में पड़ा है और ये है हाके ब्रश, जो कि वाटर कलर पेंटिंग में बड़े बड़े वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। आप अगर वाटर कलर करते होंगे तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े वॉश करने के लिए फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं बहुत सालों से वाटर कलर कर रहा हूँ और मैं जो है इंडियन ब्रांड के ब्रशेस इस्तेमाल करता था, जिसमें कि आजाद और उदय कंपनी के ब्रश मेरे पास है। ये अभी मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस पे बैन है। ये मुंगूस हेयर ब्रश है और अभी मैंने जो ऑनलाइन ये ब्रश मंगाया, इसे हाके ब्रश कहते हैं। ये ब्रश जो है ये गोट हेयर ब्रश है और ये बहुत सॉफ्ट ब्रश होते हैं। ये जापान में बहुत सालों से इन्हें बनाया जाता है और ये पूरी तरह से हाथ से बनाए जाते हैं। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बीच लकड़ी के बीच में खांचा है जिसके अंदर ये ब्रश फिट किए गए हैं और यहाँ पे स्टिचिंग किया गया है जिससे कि इसको टाइट किया गया है। तो ये बहुत सॉफ्ट ब्रश होते हैं और वाटर कलर पेंटिंग में वॉश के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका रिव्यू मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा कि इससे मैं अभी पेंटिंग करने जा रहा हूँ और पेंटिंग करते करते मैं ये ब्रश इस्तेमाल करूंगा और मेरा एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूंगा और फिर बताऊंगा कि मुझे ये ब्रश कैसे लगे। तो चलिए हम पेंटिंग शुरू करते हैं। चलिए हम इसका ट्रायल लेते हैं हाके ब्रश का। तो ये जो है हाके, ये क्रिएटिव मार्क इस ब्रांड का है और इसका क्वालिटी बहुत अच्छा दिख रहा है। ये हैंडमेड है पूरी तरह से और इसका हैंडल जो है वुडन हैंडल है, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। इसका डिजाइन थोड़ा सा अलग है, इसमें एक खांचा है जिसके अंदर ये ब्रश फिट किए गए हैं। तो ये जो है ये खांचे के अंदर जो है ना पानी अच्छे से होल्ड होता है, तो इसलिए ये एक थोड़ा सा अलग सा डिजाइन है। तो हम ये ब्रश को आज यूज करके देखेंगे। तो ये तीन ब्रश का सेट है पूरा जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है और ये जो पेपर मैं यूज कर रहा हूँ, ये चित्रपट का हैंडमेड पेपर है, इंडियन पेपर है ये, और ये काफी अच्छा पेपर है। जो चीप में अगर पेपर चाहते हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी हो, सस्ते में बेस्ट क्वालिटी, तो ये चित्रपट जो है ना ये सबसे बढ़िया पेपर है अभी इंडिया में। तो ये जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ ये कैमल के है और कुछ शेड्स जो इसमें है वो विल्सन एंड न्यूटन की है और मिशन गोल्ड की कुछ शेड्स है, बाकी 60% कलर जो है वो कैमल के है। तो मैं आपको एक सिंपल लैंडस्केप इस पे बना के दिखाता हूँ। तो पहले तो हम ट्राई करते हैं ब्रश को। आप अगर यहाँ देख सकते हो तो मैं ये ब्रश इसमें डुबो के दिखाता हूँ आपको। ये काफी अच्छा पानी होल्ड कर रहा है। मैं पहले पानी का वॉश देता हूँ पेपर को। काफी सॉफ्ट है ये ब्रश, मुझे लगा नहीं था इतना सॉफ्ट होगा। काफी सॉफ्ट है, गोट हेयर ब्रश है ये। ये इसका ओरिजिन जो है ये जापान का है, जापान में ये ब्रश बनाए जाते रहे हैं सालों से और इनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, कैलीग्राफी वगैरह। तो अभी ये वाटर कलर के लिए भी बहुत सारे आर्टिस्ट इसका यूज करते हैं बड़े बड़े वॉश देने के लिए। तो पानी अच्छे से पकड़ रहा है ये ब्रश में। मैं अभी इसमें अल्ट्रामरीन ब्लू और दूसरे कलर्स ऑरेंज मिक्स करके शेड्स एक वॉश देता हूं पहले पेपर के ऊपर।
ये मैं पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसका जजमेंट इतना अभी है नहीं, लेकिन बढ़िया वॉश कर रहा है ये। थोड़ा सा ब्लू ग्रे लिया है मैंने, मिशन गोल्ड का ग्रे शेड बनाई है। आप देख सकते हो ये इजीली है ना फ्लैट वॉशेस कर रहा है बड़े बड़े, तो अच्छा लग रहा है। नहीं हूं इसलिए मैं इसका झूठा तारीफ नहीं करूंगा, तो ये हम जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस हिसाब से देखते हैं कैसा है इसका रिजल्ट है। ये मैंने ऑरेंज और ब्लू ग्रे जो है विल्सन न्यूटन का वो मिक्स किया इसमें, तो ये थोड़ी सी ऑरेंज की ग्रे शेड बनी है। यहाँ पे एक पेड़ बनाऊंगा बड़ा वाला। मैं इसमें पूरा पेंटिंग जो है ना इसी ब्रश से करने वाला हूँ, छोटे ब्रश का इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। थोड़े डार्क टोन ऐड कर रहा हूँ इसमें। मुझे लगा ब्रश निकल रहा है लेकिन इसका ब्रश नहीं निकल रहा। थोड़ी इसमें भी डार्क टोन डालता हूँ। वाटर कलर में आप जितना फ्रीली काम करते हो ना उतना अच्छा होता है। बड़े बड़े वॉश मस्त हो रहे हैं इसके, थोड़ा जमीन का ये स्ट्रोक्स इसमें डाल रहे हैं। बड़े वॉश में मजा आ रहा है, अच्छे से हो रहा है वॉश। मैं इंडियन ब्रश यूज किया है ना तो उसके वॉश भी अच्छे होते हैं, इसका थोड़ा सा अलग फील आ रहा है क्योंकि ये ब्रश जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसके थोड़े हार्ड है बाल जो है उसके थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसका जो फील है थोड़ा सा अलग आ रहा है। ये ड्राई ब्रशिंग के लिए भी अच्छा है।
हाय फ्रेंड्स, हमने अभी एक पेंटिंग करके देखा। आशा है आपको पसंद आया होगा। ये ब्रश मैंने अभी इस्तेमाल किया है, तो अभी टाइम है इसका रिव्यू बताने का, इसका एक्सपीरियंस बताने का। तो इसके ब्रश जो है सच में सॉफ्ट है और वॉश भी बढ़िया आ रहा है पेपर के ऊपर, सॉफ्ट इफेक्ट आ रहा है। इसका हैंडल लकड़ी का है और ये जो हैंडल आप पकड़ोगे इसे हाथ में, तो इसका जो फील है वो बहुत मस्त आ रहा है। दूसरा, ये पानी बहुत अच्छे से पकड़ रहा है, इसमें बहुत सारा पानी ये स्टोर कर लेता है, तो आप बड़े बड़े वॉश आसानी से कर सकते हो। हैंडलिंग मस्त है इसकी और सॉफ्ट एजेस आते हैं इसके, हार्ड एजेस नहीं आते क्योंकि हार्ड ब्रश नहीं है। इंडियन ब्रश में थोड़े हार्ड आते हैं। ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, यही मेन सवाल है। तो अगर आप अभी अभी काम करना सीखे हो, बिगिनर्स हो, तो ये ब्रश खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इंडियन ब्रश से भी अच्छा काम कर सकते हो। ये ब्रश आपको 800 हजार रुपये 1200 रुपये तक एक मिलता है, और वही इंडियन ब्रश जो आपको 50 या 100 रुपये में मिल जाता है। काम में उतना डिफरेंस नहीं है, 20% का फर्क पड़ता है काम में। तो आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या आप अभी अभी सीख रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आप इंडियन ब्रश को प्रेफर करें। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आप थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो 800-1000 रुपए का ब्रश, तो ये ब्रश खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत बढ़िया ब्रश है, आपका काम अच्छा होगा, सॉफ्ट काम होगा, बड़े बड़े वॉश आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, काम अच्छा चाहिए, थोड़ा सा और बढ़िया काम चाहिए, ये ब्रश बेस्ट है। मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल इसको यूज कीजिए। अब इसका हेयर फॉल का मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी अभी यूज किया है, तो देखते हैं कि बाद में पता नहीं हेयर फॉल होते कि नहीं। अगर हेयर फॉल नहीं होता है तो ये ब्रश आप कम से कम 10 साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो 10 साल अगर आप ये ब्रश इस्तेमाल करते हो, तो इसके जो आप खर्चा किया है वो आपका पैसा वसूल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय।